ये मेरे पास एक किताब है जो कि 200 साल पुरानी किताब है और इसमें वो अजाइब वो गराइब दर्ज हैं इसमें वो वो नकोश हैं वो वो वजाइब हैं कि जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा है या लिखा है उसी वक़्त उनको कामयाबी मिली है तो मेरे भाइयों आज इससे एक अमल बताने जा रहा हूं आप गौर से सुन लीजिएगा इसमें एक सूरत के बारे में लिखा हुआ है और जब भी किसी ने आजमाए हैं तो अल्लाह ने उनको कामयाबी और कामरानी से नवाजा है वो क्या है आप सुन लीजिएगा वो ये है कि हजरत जुमदुप रज़ी तनों सेवायत हैं कि वही लाने में जब हजरत जब्राही सलात वाम कुछ आरसा न आए तो मुशरिकीन ने मशवरा कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलम से वही का सिलसिला मुन यानी ख़त्म हो गया है तो इस पर अल्लाह ने बजरिया वही ये सूरत नाजिल फरमाए फ़ायदा क्या है इसका महरबाई ये सूरत गायब को वापस लाने के लिए बहुत अक्सर है बाग हुए को वापस लाने के लिए सूरत को रोज़ाना ग्यारह मरतबा ग्यारह रोज़ तक अगर पड़ जाए तो ग्यारह दिन पढ़ने से पहले पहले गायब वापस आ जाएगा और उनके पाव नीचे आग लग जाएगी इनशाला तग हुआ ऐसे वापस आएगा कि जैसे हाथ से साबुन गिरता है अच्छा अगर कोई शख्स अपने किसी काम के मुतिक फिक्रम हो परेशान हो तो ऐशा नमाज के बाद साफ सुथरे कपड़े दुले हुए कपड़े पहन कर इस सूरत को इक्कीस मरतब पड़े और साथ रोज तक यह अमल करे ताला बजरिया, ख्वाब मालूम हो जाएगा कि काम का अंजाम क्या होगा अब ये देखे बहुत सारे लोग कारोबार बिजनेस रिश्ता कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं आप लोगों से इस्ते करते हैं बजाय उसके आप खुद इस्तेखारा कर ले ये पहली रात में ही आपको ख्वाब में आएगा अगर एक रात ना आया तो फिर आप सात रात ये अमल कर ले और किसी भी चीज़ के बारे में मेरे ऊपर साया है जादू है जिन्नत है मेरे साथ कोई मसला है वो भी आप मालूम कर सकते हैं यानी कोई भी चीज़ आप ख्वाब में मालूम करना चाहते हैं कोई भी चीज़ हो तो अल्लाह के फजल और करम से इस अमल से अल्लाह जली आपको दिखा देगा अच्छा बदख्वाबी या सोते हुए डरने की सूरत में इस सूरत को सात मतव पालकर सोना बहुत मुफीद है अक्सर बच्चे डर जाते हैं बड़े डर जाते हैं एक अलामत आपको मैं ये बताऊं अगर आपके ऊपर जादू है आलम है या खबाई से जिन्नात के असरत हैं तो आपको तरह तरह के ख्वाब आएंगे खतरनाक डरावने ख्वाब आपको आएंगे अगर वो मसला है फिर भी आप पढ़ सकते हैं अच्छा इसके अलावा इस सूरत को तीन सौ तेरह मरतबा इक्कीस दिन पढ़ना रुकी हुई तजारत के जारी होने के लिए बहुत ज्यादा अक्सीब है अब बहुत मेरे भाई बहन वो परेशान है किस वजह से मेरा कारोबार नहीं चल रहा या किसी को कारोबार मिलते ही नहीं है ये जो मैं सूरत के बारे में बात कर रहा हूं ये बहुत इंतहा छोटी सूरत है अम्मा पारे में हैं और सूरत जुहा है ठीक है तो बहुत लोग इस तरह होते हैं मेरे भाई के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इतना परेशान कि उनका कारोबार या तो चलते चलते रुक जाते हैं बहुत लोगों का ये गिलाता है शिकवात हैं कि शुरू में हम बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा कारोबार था बहुत ज़्यादा हम पैसे कमाते थे बहुत ज्यादा जो है ना हमें फ़ायदा होता था लेकिन अचानक से हमारा इस तरह हुआ या कम होते होते हमारा साथ ये मसला हुआ अगर आपका कारोबार सरे से है नहीं या कारोबार है लेकिन चल रही चल नहीं रहा तो इस अमल को आजमा लीजिएगा अल्लाह के फजल व करम से फिर शेष के तमाशा कर ले कि अल्लाह आपके साथ क्या कर रहा है असल वर